जय श्री अमरनाथ जी। अभी हम हैं पहलगांव बेस कैंप पर, जहां पर सभी श्रद्धालु रात्रि विश्राम करने के बाद चंदनवाड़ी बेस कैंप की ओर बढ़ेंगे। पहलगांव से चंदनवाड़ी बेस कैंप की दूरी 17 किलोमीटर की है और इसके बाद श्रद्धालु चंदनवाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ही अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर श्रद्धालु के दस्तावेज जैसे कि RFID कार्ड, यात्री परमिट चेक किए जाते हैं। इसके बाद ही श्रद्धालु को आगे की ओर भेजा जाता है। अभी आप जो ये देख रहे हैं विजुअल्स, ये चंदनवाड़ी चेक पोस्ट के आगे के हैं। ठीक यहाँ से पवित्र गुफा की चढ़ाई को शुरू किया जाता है। पवित्र गुफा की पहली चढ़ाई, पहला पड़ाव पिस्सू टॉप चढ़ाई है, जो चढ़ाई की काफी ज्यादा मुश्किल मानी जाती है। आप सभी को बता दें, इस चढ़ाई में लगभग आपको 3 किलोमीटर सीधा खड़ा पर्वत चढ़ना होता है, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इस पर्वत को चढ़ने में लगभग आपको 1 घंटे तक का समय लग सकता है। मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा, अगर आप यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चढ़ाई को बिल्कुल आराम से करें, क्योंकि चढ़ाई में आपको सांस फूलने के साथ साथ और भी कई सारी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसके बाद आप सभी को बता दें, पिस्सू टॉप पर्वत क्रॉस करने के बाद आपके पास आएंगे शीर्षनाग, जोजीबल जैसे यात्रा पड़ाव, जहां पर छोटे बेस कैंप भी लगाए जाते हैं। श्रद्धालु को बताते चले कि यहां से शीर्षनाग की दूरी, पिस्सू टॉप से शीर्षनाग की दूरी 9 से 12 किलोमीटर की है और यहां पर आने के लिए श्रद्धालुओं को एक बिल्कुल साधारण रास्ता मिलता है, यानी कि बिल्कुल प्लेन रास्ता मिलता है। कहीं ना कहीं नागिन टॉप में रास्ता थोड़ा खड़ा है, जहां पर आपको नॉर्मल यानी कि थोड़ी बहुत चढ़ाई देखने को मिल सकती है। इसके बाद आप सभी को बता दें, श्रद्धालु जो भी यात्रा पर आ रहे हैं, उन सभी के लिए जो जरूरी जानकारी रहती है यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, बता दे चलें कि यात्रा में आप सभी के लिए यात्री परमिट जरूरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी के पास हेली की टिकट होना जरूरी है। इसके बाद ही आपको यात्रा बेस कैंप में एंट्री दी जाएगी। जम्मू भगवती नगर से लेकर पहलगांव और बालटाल के लिए पूरी सुविधाएं रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए। इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति के लिए यात्रा कॉन्वॉय में 250 बसेस में से अन्य ऐसी बसें होंगी जो बिल्कुल खाली चलेंगी, ताकि अगर कोई भी यात्रा ट्रैक पर जो जम्मू से श्रीनगर का है उस पर अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो जल्द से श्रद्धालु को लिया जाए। यह है पवित्र गुफा के ठीक आगे का रास्ता, जो आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, यह है पहलगांव का रास्ता। और जिस रास्ते से मैं इसको शूट कर रहा हूँ वह है बालटाल का। अभी हम शेषनाग में हैं। शेषनाग की यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे होंगे। शेषनाग झील के पास जाना प्रतिबंध है, यहाँ पर किसी भी तीर्थयात्री को शेषनाग के पास नहीं जाने देते। अभी आप जो ये चढ़ाई देख रहे हैं, ये महागुणष्ट आप की और चढ़ाई है। महागुणष्ट आप की जो चढ़ाई है वो पवित्र यात्रा में दूसरी सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है, क्योंकि महागुणष्ट आप की चढ़ाई 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा में सबसे ऊंचे पर्वत की चढ़ाई है, जिसमें खासकर तीर्थयात्री को ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम बात करें तो पवित्र यात्रा में यात्रियों को शेषनाग, पंचतरणी, जोजीबल जैसे बेस कैंप पर रुकने की व्यवस्था के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है, जिनमें अगर यात्रियों को जुखाम बुखार की जैसी शिकायतें आई हों तो उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। श्रद्धालु को बता दे चले कि यात्रा के दौरान अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो यात्रा पर बिल्कुल भी न आने का अपना प्लान बनाएं। और साथ ही साथ अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पंचतरणी हेलीपैड तक पहुंचाया जाएगा। पंचतरणी हेलीपैड से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है एक तरफा। और बालटाल मार्ग की अगर हम बात करें तो बालटाल मार्ग के लिए आपको पैदल ही जाना होगा, लगभग 14 किलोमीटर पैदल जाकर आप बालटाल बेस कैंप पर पहुंच सकते हैं। श्रद्धालु को बता दे चले कि अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु को निशुल्क व्यवस्थाएं, जैसे कि अमरनाथ यात्रा में मेडिकल सुविधा और साथ में ऑक्सीजन व्यवस्था श्रद्धालु के लिए निःशुल्क रहेगी। पहलगांव में हर साल की तरह बस पहलगांव से बेस कैंप यात्री तक फ्री निःशुल्क घुमाएगी श्रद्धालुओं को। इसके लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, पर यह कंफर्म लग रहा है कि उसी तरह से रहेगा भी। श्रद्धालु को बता दे चलें कि यात्रा पर आ रहे हैं तो श्राइन बोर्ड का सहयोग करें, सिक्योरिटी फोर्सेस का सहयोग करें, ताकि यात्रा की और ज़्यादा जो रौनक है वो बढ़ी रहे और श्रद्धालु अपनी यात्रा भी आराम से
कर पाए। साथ ही साथ तात्काल पंजीकरण की व्यवस्था पहलगांव और पंथा चौक श्रीनगर जम्मू जैसे स्थानों पर रखी जाएगी। फिलहाल जम्मू में ही अपना तात्काल पंजीकरण करवाएं, क्योंकि पहलगांव और पंथा चौक जैसे स्थानों पर पहले से ही यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ जाती है, जिसके कारण आपको यहां पर बड़ी परेशानी हो सकती है। जम्मू में आपका पंजीकरण आराम से हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।